अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बानो चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, मेरी वीडियो को देख भी रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत ही मज़ेदार फिश, ईरानी लेदर फिश नहायत ही मज़ेदार होती है। तो चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। व्यूअर्स, मैंने ये लिया है ईरानी फिश, लेदर फिश है होती है ये, ईरान की ये बहुत मशहूर फिश होती है। ये मैंने आधा किलो लिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला है और 1/2 टीस्पून जो है मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें काला नमक शामिल कर रही हूँ, लाल कुटी मिर्च जो है वो मैं इसमें 2 चमची शामिल, टेबल स्पून शामिल करूँगी, कसूरी मेथी मैंने ली है खुश कसूरी मेथी वो मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करूंगी, नमक मैं इसमें 1 टेबल टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसी तरीके से लाल पीसी मिर्च जो है 1.5 टीस्पून में शामिल करूंगी और इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मछली में मसाला अच्छे से लगा दिया है, अब इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, फिश को मसाला लगाए हुए 1/2 घंटा हो गए, इसको मैंने मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। व्यूअर्स, 1/2 कप कुकिंग ऑयल मैंने पैन में डाला है और इसमें मैं 1 चुटकी नमक डाल दे रही हूँ ताकि इससे जो है फिश जो है जब मैं फ्राई करूंगी तो वो चिपकेगी नहीं इसके अंदर। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसके अंदर फिश डालती हूँ फ्राई के लिए। इसको दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है, ज़्यादा तेज आंच पे फ्राई नहीं करना है। व्यूअर्स, ये फिश मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, इसलिए अब ये आराम से हल्की आंच पर दरमियानी आंच भर के उस पर मैं पहले एक साइड ब्राउन करूंगी उसके बाद दूसरी साइड, तो ये फिश फ्राई हो रही है। व्यूअर्स, अब हम इसको दूसरी साइड इसकी टर्न करते हैं क्योंकि देखते हैं कि ये फ्राई हो गई, ये देखें फ्राई हो गई है तो हम इसके दूसरे साइड पर इसको पलट रहे हैं और इस साइड को भी हम 5 से 10 मिनट तक जब तक ये ब्राउन नहीं है उसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, फिश जो है दोनों तरफ से आप देखें कि बिल्कुल तैयार हो गई है, इस साइड से भी तैयार हो गई है और दूसरी साइड से भी तैयार है। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आज की हमारी डिश तैयार है, ये जो है ईरानी लेदर फिश कहलाती है जो 1 कांटे की होती है और मीठे पानी की होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके ऊपर जो है घर का बना हुआ चाट मसाला भी छिड़का है और ये कैरी और अदरक लहसुन की चटनी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे अपनी राय से हमकिनार कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।